28 जनवरी को जब राकेश टिकैत की आंखों से आंसू छलके थे तो उन्होंने दो बीजेपी विधायकों का नाम लिया था। एक विधायक मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, सुनील शर्मा जी साहिबाबाद से विधायक। दो महीने से आंदोलन चल रहा है यूपी गेट पर, बिना किसी दुर्व्यवहार के, बिना किसी अशांति के, फिर भी जो है क्या जरूरत आनी पड़ी कि विधायकों को गाड़ी निकालना पड़ा, अपने साथ लोगों को बिठाना पड़ा और वहां पर दिखाना पड़ा। एक बार राकेश टिकैत को तो आंसू भी आ गए, उनको आना ही था। ऐसा कोई साक्ष्य है राकेश टिकैत के पास या मीडिया के पास की विधायक और गाड़ी और अमृत समर्थक वहां मौजूद थे? अगर किसी के पास भी कोई साक्ष्य है, मैं सबको चैलेंज करता हूं। वहां चप्पे चप्पे पर कैमरा है, वहां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया लगा हुआ है, वहां हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, उसमें कैमरा है। अगर मैं या मेरी पार्टी का कोई व्यक्ति वहां गया है तो वो उसे दिखा दें। ऐसा नहीं हो सकता कि हम मिस्टर इंडिया नहीं है कि जब गए और किसी को दिखाई ना दिए, बस टिकैत को दिखाई दिए। तो आपको बयान जारी कर देना चाहिए था जब घटना। मैंने उसी दिन वीडियो जारी किया था और मैंने स्पष्ट कहा था कि ये असत्य है, बिल्कुल झूठ है। और मैंने ये भी कहा था ये ड्रामा कर रहे हैं, ये ड्रामा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 26 जनवरी को जो घटना घटित हुई उससे पूरी जनता ने इनको देखा है। सभी जो किसान नेता है आज वो कहते हैं कि सब हम नहीं थे, हम भी कहते हैं थे या नहीं थे, तो जांच का विषय है। लेकिन नेता तो यही थे ना, इन्होंने ही ट्रैक्टर परेड आयोजित की थी, ट्रैक्टर रैली जब आयोजित की थी और उसके कारण वहां हिंसा हुई, वहां लाल किले पर चढ़कर के तिरंगे का अपमान किया गया और देश की इज्जत को तार तार किया गया, तो उसकी जिम्मेदारी से क्या इन लोग बच सकते थे? नहीं बच सकते थे। जनता इनको धिक्कार रही थी या अपराध बोध से सब लोग ग्रस्त थे, उससे उबरने के लिए, जनता की भावनाओं को भड़काने के लिए और सहानुभूति प्राप्त करने के लिए एक सोची समझी योजना के अंतर्गत ये राकेश टिकैत जी ने ड्रामा किया। नहीं तो आंसू ऐसे निकल जाता है क्या भरी सभा में मीडिया के सामने अचानक से? हाँ, अरे ड्रामेबाज व्यक्ति तो जब चाहे निकाल देते हैं, जो सच्चा व्यक्ति होता है उसके नहीं निकलते। यानी वो ड्रामेबाज है राकेश टिकैत जी ने पहले दिन से असत्य बोला है, पहले दिन से असत्य बोला है, तो उनके आंसुओं को ड्रामा कहें। 100% मैं फिर कह रहा हूं, अगर उनके आंसू सत्य हैं तो ये साबित कर दें कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति नेता वहां लाठी डंडे लेकर के मौजूद था, तो जो सजा कहें मैं सरेआम उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। जो यूपी गेट पे किसान आंदोलन चल रहा है उसका आप समर्थन करते हैं या विरोध में? देखिएगा, यूपी गेट पर जहां भी किसान आंदोलन चल रहा हो एक अलग विषय है, इस विषय से संबंध तो है, सरकार उस पर अपनी बात स्पष्ट कर चुकी है। मेरा कहना यह है कि लोकतंत्र में जबरदस्ती के लिए कोई स्थान नहीं है, धरना देने का सबको अधिकार है, अपनी बात मनवाने का सबको अधिकार है, लेकिन आप आम जनता का रास्ता रोक करके बैठ जाओगे। आज देखिएगा कितने लोग परेशान हैं, कितना डीजल फूक रहा है, लोगों की नौकरियां संकट में आ गई, दिल्ली नहीं जा सकते टाइम से, आप दो टाइम आप रामलीला मैदान में बैठ करके धरना दीजिएगा, आप कहीं भी धरना दीजिएगा, गाजियाबाद में देना तो या बड़े बड़े ग्राउंड है उनमें धरना, यदि उनको धरना देने का अधिकार है तो आम आदमी को भी सड़क पर चलने का अधिकार, आप दूसरे का अधिकार छीन लो, ये भी तो अच्छी बात नहीं है ना। दूसरी बात, अपनी बात के अगर ये अगर ये अगर ये आप सरकार में सुनील जी कोशिश भी हुई थी बाकायदा हटाने के लिए जो है आदेश भी जारी कर दिया गया था, तो सरकार में तो आम लोगों को निजात दिलाई इससे? हम सरकार में है लेकिन हम जबरदस्ती नहीं करना चाहते। ये आंदोलन वास्तव में किसानों का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन इस प्रकार का आंदोलन है कि जब कभी मुगलों ने हिंदुस्तान पर हमला किया तो गाय आगे कर दी, क्योंकि हिंदू योद्धाओं का वो मुगल सामना नहीं कर सकते थे, इसलिए गायों का झुंड आगे कर देते थे, तब हमला बोलते थे क्योंकि वो सामने से वार नहीं कर सकते थे। ऐसा ही काम इन वामपंथियों ने, सीएए का विरोध करने वालों ने और जो खालिस्तानी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं उन लोगों ने जो कनाडा में वहां बैठे हैं, उन सब लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके भारत सरकार के सामने, गाय किसान तो गौ है, देवता है, हम उसकी पूजा करते हैं, मैं किसान हूं, मैंने अपने हाथ से खेती की है, चौधरी राकेश टिकैत ने बैलों की दाएं नहीं चलाई होगी, मैंने अपने हाथ से बैलों की दाएं चलाई है, मैंने ही खोदी है, मैंने खेत में काम किया है, मैं किसान हूं। लेकिन इन्होंने क्या काम किया, भोले भाले किसानों को बहला फुसला करके जैसे मुगलों ने गाय आगे कर दी थी, इसी प्रकार से हमारे सामने, हमारी सरकार के सामने इन षड्यंत्रकारी जो ताकत है,
जो सरकार को देश को कमजोर करना चाहते हैं उन्होंने किसान को भ्रमित किया। सरकार बार बार कह रही है कि भाई वार्ता कीजिए, कानून में जो कमी है बताइएगा, हम संशोधन करेंगे। देखो नहीं साहब, कानून रद्द करो। अरे भाई कानून की जो कमी खामियां, कल को कोई दूसरा इसी प्रकार धरना लेकर बैठ जाएगा, वो कहेगा संविधान को रद्द करो, क्या आप मान लेंगे? तीसरा आएगा कहेगा जी पार्लियामेंट को भंग करो, अंतान तो सरकारों के बैठे। लोकतंत्र में कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट ने बनाया है। अगर कोई चीज उसमें जनता के हित के विरुद्ध है, आपने आपने जब ये सारा हुआ, आप जिसको ड्रामा कह रहे हैं, फिर आपने राकेश टिकैत से बात की कि उन्होंने आपका नाम क्यों लिया? माहौल है बात करने का, वातावरण, बात कर, बात तो वो सरकार से करें, वही नहीं कर रहे हैं, वही बात पे नहीं टिक रहे हैं, वो रोज रोज असत्य बोलते हैं। बात तो उन्होंने सरकार से ही की थी कि हम शांतिपूर्वक रैली निकालेंगे, क्या उन्होंने निकाली? 5,000 ट्रैक्टर लेकर के जाएंगे, दस्तखत किए थे, चक्का जाम की भी घोषणा की गई। वो उनका काम, हम क्या करते हैं, सरकार अपना काम करेगी। मैं उस घटना के विषय में फिर अपनी बात दोहराता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैंने प्रशासन को भी कहा है, मैंने कहा कि मेरी लाइव लोकेशन निकालिएगा, लाइव लोकेशन निकालिएगा। अगर मैं 3 किलोमीटर तो दो विधायकों का नाम लिया, दूसरा क्यों नहीं? दूसरा नंदकिशोर जी का नाम ले रहे हैं, और मेरी जहां तक जानकारी, उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया है, उन्होंने भी डिक्लेयर करा कि हमारी लाइव लोकेशन निकालिएगा और निकाल के बताए हम कहा। तो बहुतेरे विधायक हैं बहुत, लेकिन आप लोगों का ही नाम क्यों, उससे उनको क्या नहीं, नहीं मेरी विधानसभा में तो धरना चल रहा ना, किसका नाम लेते, उन्हें भरना चाहिए था ना, कोई झूठ बोलने को उन्हें पता नहीं था। आप देखेगा पहले विधायक 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 करते रहे, फिर पूछा कौन सा विधायक, भाई कौन सा विधायक, देख लीजिए। आपको ये नहीं लगता कि उसी के बाद से जो धरना है वो पहले तो रेंग कर चल रहा था, फिर अचानक से बैठ गया और अब तो धरना पूरी रफ्तार से चल रहा है? हाँ, उन्होंने अपने समाज से, अपने देश से, किसानों से सहानुभूति प्राप्त करने के लिए ही तो ये ड्रामा किया, और वो उनको मिल गई। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि झूठ की बुनियाद पर खड़ा हुआ आंदोलन चल नहीं सकता, आंदोलन वही चलेगा जो सत्य के आधार पर होगा। उन्होंने झूठ बोल करके, आंसू बहा करके लोगों की भावनाओं को के साथ इमोशनल ब्लैकमेलिंग किया है। बिल्कुल, और आपको बता दें कि जो आगामी 6 तारीख है, संयुक्त किसान मोर्चे ने साफ तौर पर कहा है कि वह चक्का जाम करेंगे और आने वाले दिनों में अपनी रणनीति तय करेंगे। ऐसे में सभी को इंतजार है कि कब यह गतिरोध टूटे और कब हल निकले।